था तो मेडिटेशन जिज्ञासा। अथा तो मेडिटेशन मुमुक्षा, भीतर की प्यास को जगाए रखना। अपनी प्यास, लगन, उत्कंठा, बढ़ाते चले जाना। अपने प्रति ध्यान को बढ़ाते चले जाना। अंतस ध्यान मेडिटेशन। मन के प्रति जागे जागे देखना, मन की गति को देखना, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। उसकी प्रेजेंस से उतरी हुई वाइब्रेशंस को पीते चले जाना। ये पीना ऐसा है कि प्यास बढ़ती ही चली जाती है। कहीं भी तो तृप्त नहीं होता ये प्यास का आलम, निरंतर बढ़ता चला जाता है। ये बढ़ती हुई प्यास ये मचलती हुई प्यास, ये अंगड़ाई लेती हुई, उभरती हुई, उमड़ती हुई प्यास, तनिक मात्र भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश न करना, इसको बढ़ने ही देना, इसको उभरने देना, उमड़ने देना, सहस्रार के शिखरों पर पहुंचने देना। इधर देखो, उधर देखो, यहां देखो, वहां देखो, बस मेरी इल्तजा यही है, तुम मुझे देखो जहां देखो। ओ अर्जुन, यही इल्तजा है बस मेरी, मुझे देखो जहां देखो। भगवान उवाच, सदगुरु उवाच, मन कहीं भी जाए, कछु भी करे, कैसा भी करे, तो हम इसको देखते चले जाना। पास्ट में जाए, फ्यूचर में जाए, इसी को देखते चले जाना। देखना, एकमात्र देखना, अपनी ओर मुड़ करके देखना, अपने दर्पण में देखना, अपने मन की गति को देखना, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। जब तक विचारों की गति, मन की दौड़, मन का द्वंद्व बना है, तब तक तुम जागे जागे देखते रहना, लगातार देखते रहना।
तुम देखने वाले हो, तुम ही हो साक्षी दृष्टा, चेतन अकर्ता, तुम ही हो शिवनेत्र महासूर्य हो। तुम जागो, अपना स्वरूप पहचानो, अपने आप को पहचानो। नोदाइसार अपनी जीवन को उपलब्ध कर लो। जन्म के साथ नहीं मिलता, जन्म के साथ तो संभावना सुअवसर प्रवेश मिलता है। जन्म के साथ तो शुरुआत है जीवन की, अंत नहीं है। जन्म का अंत है मृत्यु, किंतु जीवन का कोई अंत नहीं है। मृत्यु विरोध में है, जन्म के जीवन के विरोध में नहीं है। जीवन के प्रति सर झुका देती है मौत, मृत्यु जीवन की नहीं है, जन्म की है। श्वासों की गति में तुम अपने जीवन को उपलब्ध करना, अपने भीतर द्विज ट्वाइस बार जीवन को जन्म देना, देखते रहना। देखते 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 एक दिन तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वयं तेरे सामने तेरे समक्ष प्रकट होता है वो विराट। भीतर तुझे कहीं जाना नहीं, केवल बाहर की आंखें दो पलके मूंदते ही तूने भीतर तीसरा नेत्र हो जाना है। तूने देखने वाले साक्षी दृष्टा अकर्ता हो जाना है, नॉन डुअर्स। अंतस की यात्रा पर मन सदा डोइंग में है, परंतु तेरा स्वभाव बेंग तेरी ट्रू नेचर, तेरा वास्तविक स्वभाव देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखना। न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, तुम केवल सीयर विटनेस हो जाना, ऑब्जर्व करना, वाच करना, वाच एंड वेट टिल द स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस कम्स टू हैपन। वाच एंड वेट टिल द गोल इज रीच्ड। अतिष्ठित जागृत प्राप्य वराणि बोधत्। महकती है तेरी याद हरदम दिल के आंगन में, चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। इन इंतजार की घड़ियों में और इम्तहान ना लो, ओ मुर्शीद देखो तो सही।
इम्तहा मतला। जरा देखा गर तूने नजरे इनायत इस और उतार दिया, गर तूने अपनी रहमत बरसा दिया, तो जमी देखेगी, देखेंगे ये जहां वाले सहस्रार पर सहस्रार पर सहस्रार पर सहस्रार पर बनाएंगे हम अपना आशिया पहले। जरा देखो इधर देखो, जहां देखो मुझे देखो ओ मुझे, जरा देखो जहां देखो मुझे देखो, जहां देखो से को संभाला बहुत है, अंधेरों निजी 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 से को संभाला बहुत है। चलो वो जरा सा, चलो वो जरा सा उजाला बहुत है, अंधेरों निजी से को संभाला बहुत है, अंधेरों निजी से को संभाला बहुत है। यही एक जुर्मी मोहब्बत है अपना, यही एक जुर्मी मोहब्बत है अपना, यही एक जुर्मी, यही एक जुर्मी, यही एक जुर्मी मोहब्बत है अपना, यही एक जुर्मी मोहब्बत है अपना। जमाने ने जिसे को उछाला बहुत,
समाने जिसे उछाला बहुत यही एक जुर्मे मोहब्बत है अपना यही एक जुर्मे मोहब्बत है अपना जमाने ने जिसको उछाला बहुत है जमाने ने जिसको उछाला बहुत है। और सिद्धार्थ तुझे जन्म देने वाला कौन? देख तेरे सामने तेरा पिता सुदोधन तुझसे पूछता है, तो जिसको रातों रात छोड़ करके चला गया बुढ़ापे में, यूं पीठ दे गया जैसे मैं तेरा कुछ लगता ही नहीं, यूं ही चला गया बिन बताए चला गया रातों रात चला गया, ऐसे घर से भागा भगोड़ा बनकर की जैसे मैंने तुझे बहुत कैद खाने में डाल रखा था, जैसे मैंने बहुत दुख दे रखे थे तुझे, तूने सारे जमाने में मुझे बदनाम किया, बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय तूने बुढ़ापे में जो दुख दिया जिसके कारण मैं और भी मौत के निकट हो गया और भी ज्यादा बुढ़ापे में उतर गया, दिन रात मेरी चैन को आराम को सुख को तूने लूटा, 12 बरस लगातार तूने लूटा, तुझे शर्म ना आई? कम से कम बता के तो जाता, यूं ही चला गया 2 घंटे पूर्व तेरा बच्चा पैदा हुआ, एक दीप जला घर में, उस चिराग की रोशनी को भी तू स्वीकार ना कर पाया, तेरे दिल में तनिक मात्र भी उसके प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई प्यार नहीं उमड़ा, कोई दर्द नहीं उठा उसके लिए, तनिक मात्र भी खुशी हर्ष, कोई उत्सव तेरे भीतर नहीं समाया, क्या इससे भी ज्यादा कोई प्रिय था कछ? हाँ, वो तो प्रीतम है, प्रियतर भी नहीं, प्रियतम है जो मुझे ले गया, जिसकी प्यास मुझे खींच गई, जिसकी प्यास के सामने कुछ भी नहीं, सब इनसिग्निफिकेंट है पिताश्री, जो तुम कह रहे हो सब इनसिग्निफिकेंट है, तुम कह रहे हो मैंने जन्म दिया, हाँ मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं कि आपने जन्म दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु आपने जीवन नहीं दिया, मैं जीवन की खोज में गया, मैं जीवन की तलाश में गया जो तेरे पास नहीं है, जो तू दे नहीं सकता था, और जिसको पाने के लिए मैं दिन रात तड़पता था इस महलों में रहकर के, और तूने मुझे उस जीवन की महान क्रांति से दूर रखा, तूने पिताश्री इतनी भी दया ना किया, इतनी भी करुणा तेरे में नहीं आई, तू अपनी मोह ममता में, अपनी अटैचमेंट में, अपनी आसक्ति में पिताश्री मेरे जीवन की प्यास को दबाए चले जा रहे थे, जितना आप दबाते थे उतना उमड़ उमड़ के आती थी, जितना आप सुप्रेस करते थे इसको, मेरे पे सप्रेशन के रिप्रेशन के जितने अंधेरे आपने खड़े किए, 30 बरस जिंदगी के यूं ही गवा के रख दिए मेरी मेरी जिंदगी की, 30 बरस लगातार पिताश्री आपने अपनी मोहम्मता के अंधेरों में मुझे अपनी आसक्ति के अंधेरों में मुझको जकड़े रखा, आपको कृपा करुणा दया तनिक मात्र भी रहमत नहीं उतरी कि मैं क्या कर रहा हूं, आपने मुझे संसार के प्रति लगाने के लिए तमाम प्रयास किए प्रयत्न किए, परंतु आप सब प्रयत्नों में विफल हो गए, क्योंकि मेरी प्यास का आलम बहुत महान, बहुत ऊंचा, बहुत उज्जवल, बहुत विराट था, मैं आपके प्रति कुछ कह भी नहीं सका, और अगर संवाद करूं आपके साथ बातचीत करूं तो आप अलाव कैसे करते, आप कभी भी अलाउ ना करते, आपसे बातचीत करके जाना मानो कभी मौका ना मिलता जाने का,
आपने कभी भी मुझको जीवन की खोज और तलाश के लिए कभी भी इंस्पायर तो क्या करना, प्रोत्साहित तो क्या करना, उसके बारे में बात करना भी आप मूर्खता और मूर्ता समझते थे ना, सुनते थे ना, बोलने देते थे। पिताश्री आपने जन्म दिया, मृत्यु साथ दिया, क्या आप अपनी मृत्यु से बच सकते हो पिताश्री? अगर आप ही नहीं बच सकते तो मुझे कैसे बचा सकते? आप जन्म देने वाले, मैं 30 वर्ष तक आपका धन्यवाद करता रहा महलों में रह करके, परंतु जिस प्यास ने मुझे पकड़ा था उस प्यास को परमात्मा बनाने के लिए, जीवन ज्योत जगाने के लिए तूने मुझे तनिक मात्र प्रोत्साहित नहीं किया, और ना तू कर सकता था। अपनी मोह ममता में जैसा तू जी रहा था वैसा तू मुझे भी कहता था जीने को, किंतु मैं उससे संतुष्ट नहीं था। मैं इस मनुष्यता का, मैं इस मानव तन का जो टेम्परेरी है इसका अतिक्रमण करके अपनी शाश्वतता को, भगवत्ता को, अपनी इमोर्टैलिटी को जानना चाहता था। मैंने इतनी बड़ी सुपर साइंस का दरवाजा अपनी प्यास में उतारा, किंतु तूने कभी भी एनकरेज नहीं किया, तूने कभी भी उसका साथ नहीं दिया पिताश्री। मैंने 30 वर्ष तक आपका धन्यवाद गाया, परंतु जब देखा कि मुझे नहीं कहीं से भी अवसर मिलता तो बिन बताए जाना पड़ा, परंतु बिन बताए गया तो पिताश्री, किंतु मैं बताने के लिए तुझे आया हूं। अब मैं तुझे बताने आया हूं, अब मैं योग्य हुआ हूं बताने की, अब मैं तुझे बतलाने जतलाने आया हूं, मैं तेरी भी जीवन ज्योत जगाने आया हूं। जन्म के पश्चात मृत्यु उसी पल उसी क्षण शुरू हो जाती है जब जन्म होता है। मृत्यु से तू मुझे आजाद नहीं कर सका, ना तू अपने आप को कर सका, इसलिए उस जीवन ज्योत को लेकर के आया हूं जिसकी बात नहीं, उस नूर को लेकर के छलका करके लाया हूं जिसको दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, मौत कभी उस द्वार पर आ नहीं सकती। ऐसी अस्तित्व को, ऐसी एग्जिस्टेंस को लेकर के आया हूं पिताश्री। मैं भगौड़ा नहीं हूं, मैं भगवत्ता का रूप होकर के आया हूं। आप अपने अहंकार को, अभिमान को, अस्मिता को एक तरफ रख करके देखिएगा, मैं वो नहीं हूं जो गया था, मैं बिल्कुल अन्य था, भिन्न होकर के आया हूं, मैं बिल्कुल डिफरेंट, मैं वो नहीं जो गया था वो ही नहीं आया, मैं तो सिद्धार्थ गया था, बुद्ध होके आया हूं, मैं तो मोहम्मद गया था हजरत होकर आया, मैं तो वर्धमान गया था महावीर होकर के आया, मैं तो नानक गया था गुरु नानक देव होकर के आया, मैं बिल्कुल अन्यथा होकर आया हूं, वो होकर आया हूं जो होना चाहिए हर इंसान को इस धरती के ऊपर, मैं वो ही होकर के आया। मैं अब पूर्ण अपनी टोटैलिटी में, समग्रता में, संपूर्णता में उतर के आया, मैं अब वो उपलब्ध करके आया हूं जिसकी तलाश मुझको जन्मों जन्मों से थी, जिसके लिए 30 साल मैं तड़पता रहा तेरे महलों में रह करके, मेरे हाथ नहीं लगी, मैं वो लाया। क्या यही एक जुर्मे मोहब्बत है जिसको तुम उछाल उछाल करके 12 साल लगातार धज्जियां उड़ाते रहे मेरी? पत्नी के पास गया, यशोधरा के पास गया, उसने भी अपने सारे उलहने उतारे, 12 साल नेगेटिविटी में गुजारे, तनिक मात्र प्रवाह नहीं किया उस पति ने। उस पति को मालूम है कि जिस जीवन में उतरे हैं, जिस जन्म में उतरे हैं, वो सब एक दिन मौत के ग्रह में उतर जाना है, मौत का ग्रास बन जाना है। ऐसा जन्म ना मैं जीऊं, ना इनको जीने दूं, इन सब के ऊपर करुणा और उपकार रहमत बरसा दूं, मैं अपने पे बरसा करके इन सब के ऊपर भी बरसा दूं, यही तथ्य लेकर के मैं निकला था, जो स्वीकार हुआ परमात्मा को, जो मुझे भरपूर भरपूर करके परमात्मा ने मुझको भेजा तुम सबका कल्याण करने के लिए, तुम्हारी ही नगरी में, तुम्हारी कपिलवस्तु में, तुम्हारी ही राजधानी में मैं
भिक्षु होकर के आया, भगवत्ता का रूप लेकर के भिक्षु होकर के जीना कहां का न्याय उचित है, कहां जस्टिफिकेशन है इसकी। बुद्ध ने कहा जब बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े बादशाह राजगद्दी पर बैठ करके मालिक बने बैठे हैं, भिखारी किंतु मालिक बने बैठे, पल पल कदम कदम क्षण क्षण भिखारी हैं, भीख मांग रहा है अपनी जनता से, अपनी प्रजा से, उस प्रभु से, उस परमात्मा से भिखारी का रूप लेकर के सुख की भीख मांग रहे हैं। ये भिखारी राजगद्दी पे बैठ करके अगर सम्राट कहलाते हैं, भीतर के भिखारी और बाहर के सम्राट, हम ठहरे भीतर के सम्राट, हम ठहरे भीतर के बादशाह, राम बादशाह। अगर ये भीतर के भिखारी होकर के बाहर बादशाह कहला सकते हैं, तो हम भीतर के बादशाह होकर के बाहर भिखारी कहला सकते हैं। हमें इस भिखारीपन में, इस भिक्षापन में जो आनंद है, वो इनके बादशाह होने पर भी नहीं। हिला के रख दिया, अन्यथा कर दिया सबको, जो कभी भी साथ एक पल के लिए भी यस करने वाले नहीं थे, वो आज पांव पे झुक गए, वो आज अपनी प्राणों में उस वीर को उतारने लगी। उसकी नजरों में समा जाने की तत्परता दिखाने लगी। पीछे हो लिए सब, साथ साथ हो लिए। बहुत सुंदर कहते हैं वो दीवाने, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो मेरा घर जलाए, अंधेरों से मेरा घर जलाए, अंधेरों से कह दो मेरा घर जलाए, अभी दिल में दिल का उजाला बहुत है, अभी दिल में दिल का उजाला बहुत है, चलो वो जरा सा, चलो वो जरा सा, चलो वो जरा सा, चलो वो जरा सा, जरा बहुत है, अंधेरों ने जिसको संभाला बहुत है, अंधेरों ने जिसको संभाला बहुत है।